नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है जबलपुर से इंदौर तक चलने वाली जबलपुर इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जिसे ओवरनाइट एक्सप्रेस भी कहा जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है जबलपुर से इंदौर तक चलने वाली जबलपुर इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि अब नए अपडेटेड टाइम टेबल और टिकट किराए के साथ चल रही है। तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जबलपुर इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 22192 और ये जो ट्रेन है जबलपुर से इंदौर के बीच में डेली ट्रेन चलती है। जबलपुर से इंदौर की जो दूरी है 10 घंटे 5 मिनट में कवर करती है और जबलपुर से इंदौर के बीच में इसके तकरीबन 15 स्टेशन हैं और 555 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। अगर सुपर इसकी एवरेज स्पीड के बारे में बात करें तो एवरेज स्पीड है इसकी 55 किलोमीटर पर आवर, यानी कि सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है और आपकी टिकट में सुपरफास्ट चार्ज भी जोड़ा जाएगा। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। LHB कोचेज वाली ट्रेन है, वेब 7 इंजन के साथ इसे चलाया जाता है। अगर बात करें टिकट किराए के बारे में तो मैं जो अभी आपको जबलपुर इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का टिकट किराया बताऊंगा वो जबलपुर से इंदौर तक का होगा। इसमें वैसे फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। तो सभी कोचेस का किराया डिस्कस करेंगे आगे, कोचेस वाइज किराया पर बताऊंगा फर्स्ट AC लेके जनरल डिब्बो तक। फर्स्ट AC का जबलपुर से इंदौर तक का जो टोटल किराया है वो है 2205 रुपये, जिसमें 1965 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 75 रुपये है, GST चार्ज 105 रुपये है। टोटल किराया 2205 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो इसमें सेकंड AC के कोच भी हैं। सेकंड AC का जो टोटल किराया है वो है 1325 रुपये, जिसमें 1166 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 64 रुपये है। टोटल किराया 1325 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड AC के कोच भी हैं। थर्ड AC का जबलपुर से इंदौर तक का टोटल किराया है 945 रुपये, जिसमें बेस फेयर हैं 815 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज हैं 40 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज है 45 रुपये और GST चार्ज जो है वो है 45 रुपये। टोटल किराया 945 रुपये बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में 7 कोचेज जो हैं वो स्लीपर क्लास के भी हैं। स्लीपर क्लास में कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। जबलपुर से इंदौर तक का स्लीपर क्लास का किराया है 360 रुपये, जिसमें 310 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 30 रुपये है। टोटल किराया 360 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म कर ले, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। अगर बात करें इसके जनरल डिब्बों के बारे में तो इसमें 4 जनरल डिब्बे हैं, 2 इंजन की तरफ हैं, 2 पीछे की तरफ हैं, जिसका टोटल किराया जो है 200 रुपये के करीब है। ये किराया जो मैंने अभी आपको बताया ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो अगर बात करें जबलपुर इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में तो मैं जो अभी आपको आगे टाइम टेबल बताऊंगा वो जबलपुर से इंदौर तक का बताऊंगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जबलपुर इंदौर एक्सप्रेस के अगर टाइम टेबल के बारे में बात करें तो जबलपुर रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन जो है हर रोज रात को 11:30 पे 6 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 10 घंटे 5 मिनट बाद ये ट्रेन जो है इंदौर जंक्शन मध्य प्रदेश में पहुंचती है। इसके तकरीबन 15 स्टेशन हैं। जो दूसरा स्टेशन है इस ट्रेन का है वो है मदन महल। यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 11:36 पे पहुंचती है और 11:38 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 3 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। नरसिंहपुर में ये ट्रेन जो है रात के 12:33 पे पहुंचती है और 12:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 84 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। नरसिंहपुर के बाद ये ट्रेन जो है गडरवारा रेलवे स्टेशन पे 1:08 पे पहुंचती है रात को और 1:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 128 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। गडरवारा के बाद ये ट्रेन जो है पिपरिया रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है रात के 1:43 पे और 1:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 178 किलोमीटर की दूरी जो है ये ट्रेन जो है जबलपुर से पिपरिया तक कवर कर चुकी होती है। और पिपरिया का रेलवे स्टेशन का कोड है PPI। पिपरिया के बाद जो अगला स्टेशन आता है वो है इससे तकरीबन 67 किलोमीटर दूर, वो है इटारसी जंक्शन। इटारसी जंक्शन पे रात के 3:05 पे पहुंचती है और 3:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। 15 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 245 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है।
और डॉक्टर अंबेडकर नगर नागपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ इसकी यहाँ पर क्रॉसिंग होती है और इसका जो है इंजन भी रिवर्स होता है यहाँ पर। इसके बाद नर्मदापुरम में ये ट्रेन जो है रात के 3:36 पर पहुँचती है और 3:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 263 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद जबलपुर इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो रानी कमलापति हबीबगंज भोपाल में सुबह 4:53 पर पहुंचती है और 4:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 331 किलोमीटर की यात्रा जो है यहाँ तक ये जबलपुर से रानी कमलापति तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद जबलपुर इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो भोपाल जंक्शन में सुबह 5:10 पर पहुंचती है और 5:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 337 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है BPL। इसके बाद ओवरनाइट एक्सप्रेस या जबलपुर इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है भोपाल के संत हिरदाराम नगर में पहुंचती है सुबह 5:45 पर और 5:47 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 347 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है सुजालपुर रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में सुबह 6:40 के करीब पहुंचती है और 6:41 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। भुज शालीमार वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ इसकी बुधवार को क्रॉसिंग होती है और सोमवार को अहमदाबाद पटना एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। 417 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद भेरछा रेलवे स्टेशन पर सुबह 7:19 पर पहुँचती है और 7:21 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 360 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। जयपुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस के साथ इसकी यहाँ पर क्रॉसिंग होती है और इसका स्टेशन कोड है BCH। इसके बाद जबलपुर इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने 13वें स्टेशन मक्सी जंक्शन में पहुँचती है। मक्सी जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 8 बजे पहुँचती है और 8:02 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 478 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर नगर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और इसका स्टेशन कोड है MKC। इसके बाद जबलपुर इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो देवास जंक्शन में पहुँचती है सुबह 8:32 पर और 8:34 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 515 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद जबलपुर इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो इंदौर जंक्शन मध्य प्रदेश में पहुंचती है सुबह 9:35 पे और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल दूरी है यह 555 किलोमीटर के करीब जो है जबलपुर से इंदौर तक कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ जबलपुर इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, आपका दिन शुभ।